हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। प्रीवियस वीडियो में हमने सीटेट पेपर सेकंड के इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम हिंदी लैंग्वेज एंड पेडागोजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली हिंदी सेक्शन में का जो पैटर्न है वो इंग्लिश जैसा ही है। पहले आपको एक पैसेज गिवेन है, उसको पढ़ने के बाद आपको आंसर्स टिक करना है। तो ये पैसेज है, हमारे देश में एक ऐसा भी युग था जब नैतिक और आध्यात्मिक विकास ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य माना जाता था। अहिंसा की भावना सर्वोपरि थी। आज पूरा जीवन दर्शन ही बदल गया है। सर्वत्र पैसे की हाय हाय तथा धन का उपार्जन ही मुख्य ध्येय हो गया है। भले ही धन उपार्जन के तरीके गलत ही क्यों ना हो, इन सबका असर मनुष्य के प्रतिदिन जीवन पर पड़ रहा है। समाज का वातावरण दूषित हो गया है। इन सबके कारण मानसिक और शारीरिक तनाव, खिंचाव और प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं। तो ये एक बेसिकली गिवन पैसेज है कि लेटेस्ट में लोगों की मेंटालिटी क्या है, पहले क्या थी। तो इससे बेस पे कुछ क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन था, धन उपार्जन में संधि विच्छेद करने पर कौन सा शब्द बनेगा। तो धन, अब ग्रामर में, हिंदी ग्रामर में हम संधि विच्छेद पढ़ते हैं, तो धन प्लस उपार्जन को अगर हम कंबाइन करेंगे तो वर्ड बनेगा धनोपार्जन, मतलब ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आज पूरा जीवन दर्शन बदल गया है, उक्त कथन का आशय क्या है। मींस ये जो लाइन दी हुई थी पैसेज में, इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब है कि जीवन के प्रति जो लोगों का दृष्टिकोण है वो बदल गया, मतलब परसेप्शन लोगों का बदल गया है। तो सेकंड ऑप्शन का आंसर होगा सेकंड वाला। थर्ड क्वेश्चन था, प्राचीन काल में जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या माना गया है। पुराने जमाने में जो सर्वाइविंग नीड थी उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो पहले जमाने में लोग मोरल वैल्यूज एंड स्पिरिचुअल नॉलेज को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते थे। तो आंसर होगा नैतिक और आध्यात्मिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जघन्य शब्द का अर्थ नहीं है। जघन्य का मतलब क्या होता है, त्याग देने योग, ठीक है। तो इसमें से कौन सा अर्थ नहीं है, निंदित है, निकृष्ट भी है, त्याग देने योग भी है। फोर्थ वाला जो ऑप्शन है इसका मीनिंग नहीं बताता है, तो आंसर होगा फोर्थ। हमारे मानवीय संबंध पीछे छूटने का कारण क्या है। जो ह्यूमन रिलेशनशिप डेवलप्ड होती थी पुराने जमाने में वो आज के में नहीं है, जस्ट बिकॉज हमारे अभी क्या है, महंगाई बढ़ गई है। तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा टाइम लोग क्या करते हैं, पैसे कमाने को देते हैं, बाकी रिलेशंस बिल्ड करने में नहीं देते। तो उसका आंसर होगा धन कमाने की अंधी दौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मानसिक तनाव की व्याधियों का एक कारण लेखक ने क्या माना है। मेंटल जो स्ट्रेस होते हैं उसका रीजन इसमें पूछा गया था। तो उसका आंसर था, लोगों को अर्निंग चाहिए इन एनी कंडीशन, तो वो मोरल वैल्यूज को छोड़ देते हैं, उसके कारण लोगों को मेंटली स्ट्रेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शब्द युग्म को पहचानिए जो बाकियों से डिफरेंट हो। तो उचित का अपोजिट अनुचित है, चोरी का सिनोनिम्स दिया हुआ है इसमें डकैती। तो सबसे अलग क्या हो जाएगा, सेकंड वाला ही हो जाएगा, सत्य का अपोजिट है असत्य, न्याय का अन्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इस दौड़ को अंतहीन माना गया है। तो आपके पास चार ऑप्शन थे, उसमें से आपको चूज करना है कि अंतहीन किसको माना गया। किसी भी टाइप से आप पैसे जोड़ रहे हैं वो अंतहीन है, मतलब आपको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है, वो चाहे ब्लैक हो या व्हाइट हो, तो उसको क्या बोला गया, अंतहीन बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुख साधन का विग्रह और समास क्या है। तो सुख साधन का मतलब क्या होता है, डैश लगा हुआ है तो उसका मतलब होगा सुख, फर्स्ट उसका प्रीफिक्स है और उसका सफिक्स क्या है, साधन है। तो इसका आंसर होगा सुखों के साधन, और उसमें जो समास यूज हुआ है वो हुआ है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वह अशिक्षित शिक्षित व्यक्ति से अच्छा है जो, मतलब दो लोग हैं, एक वेल एजुकेटेड पर्सन है, एक वेल एजुकेटेड पर्सन नहीं है। तो दोनों के कंपैरिजन से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका आंसर है, अगर कोई इंसान अनएजुकेटेड है बट वो काइंड इन नेचर है, उसका दिल साफ है, तो वो एजुकेटेड पर्सन से अच्छा माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अच्छी शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो वेल एजुकेशन की स्पेशलिटी कौन सी नहीं है, वो वाला क्वेश्चन था, जिसका आंसर है अनुत्तरदायी बनना, ये उसकी स्पेशलिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अधिकारों एवं कर्तव्यों के विषय में सुशिक्षित व्यक्ति क्या करेगा। तो आपके पास चार ऑप्शंस थे, जिसका सही आंसर था, दोनों का बराबर ध्यान देगा, मतलब इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेगा, राइट्स एंड ड्यूटीज हैं तो दोनों को इक्वली प्रेफरेंस देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य भी है, उपयुक्त वक्त में किस प्रकार का है। मतलब ये सेंटेंस गिवन है, इसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस है वो आइडेंटिफाई करना था।
हमारी कुछ अधिकारों और कर्तव्य जनरल डिक्लेरेशन वाला सेंटेंस है, तो हम क्या बोलेंगे? सिंपल सेंटेंस है, मतलब सरल वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सा शब्द अनुपसर्ग से नहीं बन सकता? मीन्स कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उसमें आपको पुट करके देखना है। अन से क्या नहीं बनेगा? अनुपम, अन अनुपम, अनपढ़ में ऑलरेडी अन लिखा हुआ है तो ये शब्द नहीं बनेगा, बाकी बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है जब वो शिक्षित हो, उसके पास सुख के साधन हो, उसे उत्तरदायित्व निभाना आता हो, या उसे आत्मज्ञान हो। तो हमारा जो गद्यांश दिया हुआ था उसमें बताया गया है कि मनुष्य तभी सुखी माना जाएगा जब उसको आत्मज्ञान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोजकर लिखिए, अभ्यास प्रश्न का डैश उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या है? संदर्भ में व्याकरण इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे कमजोर प्रश्न कौन सा है? तो लेखक ने अपने जीवन की दो घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया है, ये उसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अगर आप हिंदी लिटरेचर के टीचर बनना चाहते हो तो क्या क्या आना चाहिए आपको, या किस किस चीज में आपको एक्सप्लोर करना जरूरत है आपको? भाषा की शिक्षा मीन्स लैंग्वेज अच्छे से आना चाहिए, और इसकी जो ग्रामर की जो प्रोटोकॉल है वो आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भाषा शिक्षण के संदर्भ में सतत और व्यापक आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? तो बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर आपको क्या है? अवलोकन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 8वीं कक्षा में मुदित पढ़ते समय परेशानी का अनुभव करता है, संभवतः मुदित डैश से ग्रस्त है। रीडिंग जो डिसऑर्डर होती है वो हमने इंग्लिश सेक्शन में डिस्कस किया था, इसको क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया बोलते हैं। डिसलेक्सिया से जो बच्चे सफर कर रहे होते हैं उनको पढ़ते समय क्या होता है? रीडिंग में प्रॉब्लम जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो हमारा पाठ है वो कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने का उद्देश्य ना रखते हो, मीन्स स्टोरी बायस्ड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त डैश सामग्री का विकास किया जा सकता है। तो इसमें चार ऑप्शन है, जिसमें पूरक सामग्री मतलब सप्लीमेंट्री सामग्री होती है उसको भी हम डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसके विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है, तो ये कौन सा उद्देश्य होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कक्षा 8 के बच्चों की पठन अवबोधन क्षमता का विकास करने में सहायक है, तो क्लोज एंडेड टेस्ट, रिटर्न या नाटक का मंचन, तो बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? हम अगर उनको क्लोज एंडेड क्वेश्चंस देंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स देंगे, तो हमको पता चलेगा कि उनको कितना नॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम क्या महत्वपूर्ण है? परिचर्चा, श्रुतलेख, संवाद, अदायगी, सृजनात्मक लेखन। तो श्रुतलेख जो है वो सबसे कम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पढ़ने का संबंध किससे है? स्टडी का संबंध पूछा गया है कि किससे है? अर्थ मतलब कोई भी चीज हम स्टडी करते हैं तो हमें उसका मीनिंग आना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना। बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है, इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा क्या करेगा? अपनी कैपेबिलिटीज को एक्सप्लोर करेगा, मतलब न्यू जो लैंग्वेज होगी वो इजिली सीख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वाणी अस्थायी होती है और डैश भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती है, तो इसमें आंसर है वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन वे अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।